तरमीमी बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आई जिसमें बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल जेपीसी के सदर बनाए गए हैं। वक्त तरमीमी बिल 2024 को लेकर जेपीसी की तश्कील हुई है और जेपीसी पैनल में 31 मेंबरान हैं। कमेटी अगले पार्लियामेंट्री सेशन तक अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसे में जगदम्बिका पाल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सदर बनाया गया है और उनकी क्यादत में अब ये पूरी कमेटी काम करती हुई नजर आएगी। 31 मेंबरान को शामिल किया गया है जेपीसी में। पैनल में 31 मेंबर होने के साथ साथ जगदम्बिका पाल को कमेटी का सदर बनाया गया है और उनके क्यादत में अब पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगले पार्लियामेंट्री सेशन के लिए सेशन में आपको बता दें कि रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो जेपीसी के लिस्ट में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताते हैं। यहाँ 31 नामों को शामिल किया गया है। जगदम्बिका पाल बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अब इन्हें सदर बनाया गया। निशिकांत दुबे बीजेपी से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके साथ ही आपको बता दें तेजस्वी सूर्या भी बीजेपी से हैं और दीगर पार्टीज के लोगों को भी शामिल किया गया है जेपीसी में। अपराजिता सारंगी बीजेपी से हैं, इनको भी जेपीसी में जगह दी गई है। तो ये कई बड़े चेहरे आप देख सकते हैं जेपीसी की टीम में, इन्हें शामिल किया गया है कमेटी में। इसके साथ ही दिलीप सेकिया को भी बीजेपी में शामिल किया, बीजेपी ने जेपीसी की में शामिल किया है। आप टोटल आपको बता दें 31 मेंबरान हैं। इसके साथ ही 10 राज्यसभा से हैं और 21 लोकसभा के मेंबरान को शामिल किया गया है जेपीसी में। लिस्ट में कौन कौन है ये तफसील से आपको बता रहे हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इमरान मसूद भी कांग्रेस से आते हैं, इन्हें भी जेपीसी में जगह दी गई है और इसके साथ ही कमेटी अगले पार्लियामेंट्री सेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अतीक अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। अतीक, जेपीसी तश्कील दे दी गई है और अब सदर भी मुंतखब हो गए हैं जगदम्बिका पाल। देखिए, लगातार जो वक्त संशोधन विधेयक है इसको लेकर जब ये बिल पेश किया गया था तभी से इसका बहिष्कार हो गया था। इसी को लेकर जेपीसी में इस बिल को भेजा गया था कि जांच करके पूरे बिल पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी को लेकर जगदम्बिका पाल जो बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इस जो कमेटी है पूरी कमेटी में 31 लोगों को रखा गया है, जिसमें से कहते हैं कि 21 जो है सदस्य जो है वो राज्यसभा के होंगे और 10 सदस्य लोकसभा के होंगे। और तमाम हालांकि इसमें जो समाजवादी पार्टी के भी लोग जो लोकसभा के हैं सांसद हैं उनको रखा गया है और बीजेपी के लोग साथ साथ कांग्रेस लोगों को रखा गया है। तो इस बिल पे हालांकि अब जांच करके पूरे बिल पे संशोधन करके अगले सत्र से इसको पेश करने की बात कही गई है। पूरी कमेटी की बताए तो 4 सदस्य जो है कांग्रेस के रखे गए हैं, 4 भाजपा के, 1 की तरफ रखा गया है, 2 कांग्रेस के भी लोग रखे गए हैं। तो पूरी